हमारा रेसिपी है चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैंने हॉट डॉग बन लिया है, आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं। तो उसको पीसेस कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने लहसुन लिया है, लहसुन को हल्का पकाकर और बारीक चॉप कर लेंगे अच्छे से। चॉप करने के बाद बटर ले लेंगे एक बाउल में, और मैंने जो लहसुन को बारीक चॉप किया था उसको भी डाल कर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हल्का सा नमक डाल देंगे, उसके बाद चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और बारीक चॉप किया और धनिया पत्ता, सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने ब्रेड का स्लाइस लिया था, आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, उस पर हम सभी बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो सभी को स्प्रेड करने के बाद हम इसको तवा पे या ग्रिल मशीन में भी पका सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह से बताऊँगी। तो जो हमने ब्रेड को स्प्रेड किया था बटर, तो उसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद हम एक तवा लेंगे, तवा पे हम रख देंगे सभी ब्रेड को। रखने के बाद उसके बाद हम ना उसको कवर करके पाँच से आठ मिनट तक पका देंगे। तो मैंने सभी को पका लिया, पका कर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसमें भी अच्छे से पक जाता है, अच्छे से थोड़ा देर के लिए और पकाएंगे तो अच्छे से सारा चीज़ मेल्ट हो जाता है इसमें भी। अब मैं बेक करने के ग्रिल करने के लिए इसमें मैं ट्रे ले लूँगी। ट्रे में मैंने सारे ब्रेड को रख लिया। रखने के बाद इस पर हम चीज़ डाल देंगे, तो सभी ब्रेड पे अच्छे से चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। आप मोजरेला चीज़, अमूल का नॉर्मल चीज़, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो उसके बाद हम चीज़ स्प्रेड करने के बाद हम जो ग्रिल था, ग्रिल मशीन, उसको मैंने पहले ही प्री हीट कर दिया था। प्री हीट करने के बाद हम उसमें रख देंगे। रखने के बाद 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। तो 10 मिनट तक पकने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक गया है। तो अगर आपको मैं चीज़ गार्लिक ब्रेड का रेसिपी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।